हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट मी इन्फॉर्म में। आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एसडीएम क्या होता है। एसडीएम की फुल फॉर्म, एलिजिबिलिटीज, एग्जाम पैटर्न, सैलरी और आप एसडीएम कैसे बन सकते हैं। देखिए, एसडीएम की पावर, पैसा, रुतबा बताने की तो जरूरत नहीं है, आप सब ये सभी कुछ जानते होंगे। हमारी कंट्री में हर स्टेट में जितने भी जिले मौजूद हैं, उन सब में एक एक एसडीएम की नियुक्ति की जाती है, जिनका कार्य जिले की व्यवस्था को बनाए रखना है। जिले में सरकारी स्तर पर जो भी कार्य किए जाते हैं, उन सभी का रिकॉर्ड एसडीएम के पास होता है। आइए जानते हैं कि एसडीएम की फुल फॉर्म, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, उप प्रभागीय न्यायाधीश। आइए अब देखते हैं कि आप एसडीएम कैसे बन सकते हैं। एसडीएम बनने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं जिनसे आप एसडीएम बन सकते हैं। इसमें पहला तरीका है यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी की परीक्षा अगर आप पास करते हैं तो आप एसडीएम बन सकते हैं। अगर आप टॉप रैंक हासिल करते हैं तो आप आईएएस बनते हैं, और एक आईएएस या डीएम या कलेक्टर डायरेक्ट नहीं बनते, पहले उन्हें एसडीएम की पोस्ट मिलती है। 2 या 3 साल तक वो एसडीएम रहते हैं, उसके बाद प्रमोशन होकर आईएएस ऑफिसर या डीएम बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप एसडीएम बन सकते हैं। दूसरा तरीका है, वो है पीसीएस एग्जाम। जिस प्रकार नेशनल लेवल पर यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जिससे आईएएस बनते हैं, उसी तरीके से स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पब्लिक कमीशन स्टेट लेवल पर एग्जाम लेती है, उससे पीसीएस बनते हैं। पीसीएस में जब आप हाईएस्ट या टॉप रैंक हासिल करते हैं तब आप एसडीएम बनते हैं। यूपीएससी एग्जाम और पीसीएस एग्जाम की वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जहाँ से आप इन्हें डिटेल में समझ सकते हैं। एसडीएम बनने के लिए आपको एग्जाम में 3 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू। आइए अब देखते हैं इस एग्जाम की एलिजिबिलिटीज की तरफ। इसके लिए सबसे पहले तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किया हो, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम या आर्ट्स, कोई भी स्ट्रीम आपके पास है वो इसमें मैटर नहीं करता। और इसमें आपकी ग्रेजुएशन में क्या परसेंटेज है या फिर आपकी 12th में क्या परसेंटेज है, ये सब भी मैटर नहीं करता है। आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए आप फिजिकली और मेंटली फिट होने चाहिए। अब देखते हैं इसकी एज लिमिट की तरफ। इसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो है 21 से 40 ईयर्स, यानी कि आपकी मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम आप 40 तक अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से एससी या एसटी कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 21 से 45 ईयर्स तक है, यानी कि एससी और एसटी कैंडिडेट्स को इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इसमें एज लिमिट 21 से 55 ईयर्स तक रखी गई है, यानी कि 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन आप लोगों को इसमें दिया जाता है। आइए देखते हैं, अगर आप एसडीएम बन जाते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी। इसमें जो आपकी सैलरी है वो 53,000 से और 1,00,000 तक रखी गई है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हुई होगी, और इस वीडियो से आपको एसडीएम की फुल फॉर्म और एसडीएम कैसे बने, इस तरह के सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।